हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डांसिंग नाइटिंगल। आई होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और नहीं किया है तो अभी नीचे वाले बटन को क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। I don't be a brave, but I be like put it in the bag, yeah. When you see the max, they stack up. So in this quarantine, I decided to introduce a new type of learning for dancers, for non-dancers, or people who are passionate या जिनको डांस देखना पसंद है। आज से हम 10 वीडियोस ऐसे रिलीज करेंगे जो डांस के बारे में आपको ऐसी बातें बताएंगे जो शायद लोग नहीं बताते हैं। तो आज का वीडियो हमारा बेसिकली इज अबाउट फाइटिंग स्टेज फियर एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस फॉर डांस। बहुत लोग बोलते हैं कि हम पब्लिक में डांस नहीं कर पाते या हमें स्टेज फियर है, लोगों के सामने झिझक होती है करने में। सो गाइस, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आप खुद को इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। बहुत लोग ये भी एक्सक्यूजेस देते हैं कि हमें डांस करना तो आता है पर हम वो दूसरों के सामने नहीं करते क्योंकि हम वो खुद के लिए करते हैं। बट दिस इज नॉट द केस, राइट? जब आप खुद के लिए डांस करते हो तो प्लेस डजंट मैटर, प्लेस मैटर नहीं करती है, ठीक है? मैटर करता है कि आप उस जहाँ भी हो, कहीं भी हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हो, अपने आप को ट्रस्ट कैसे करते हो। और जब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि अगर जिस दिन आप व्हेन यू आर अलोन, सो जब जिस दिन आप अपने आप को तब पूरी तरीके से ट्रस्ट करने लगोगे, उस दिन आप लोगों के सामने अपने आप को ट्रस्ट करोगे। सो समथिंग लाइक दिस इज अबाउट कॉन्फिडेंस एंड इट इज़ वेरी इजी टू मेस अप विद योर हेड। यू कैन ऑलवेज मेस अप लाइक आई फॉरगॉट दैट या मैं स्टेप भूल गई या मुझसे नहीं हो रहा। तो जब आप खुद में इतनी प्रैक्टिस कर लोगे, इस लेवल की प्रैक्टिस कर लोगे, अपने आप का ट्रस्ट जीत लोगे और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लोगे तो ये चीज़ें नहीं होती। एवरी डांसर गोज थ्रू दिस डाउनवर्ड स्पाइरल। जब आपको फील होता है कि मुझसे नहीं होगा, पर उस वक्त आपको अपने आप को बोलना है स्टे काम एंड यू कैन पिक इट अप, यू कैन डू इट नो मैटर वॉट। तो जब आप एक आर्टिस्ट बनते हो तो बहुत लोग आपकी बुराइयाँ करेंगे, लोग आपसे नफरत करना भी स्टार्ट कर देंगे। बट दैट टाइम यू हैव टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड कि जब आपने अपनी शॉर्टकमिंग्स को डोमिनेट कर लिया तब जाके आप अपना ट्रस्ट जीत पाओगे। सो बेसिकली हम राजकुमार राव का एग्जाम्पल लेते हैं। राजकुमार राव जब इंडस्ट्री में न्यू आए थे तो लोग उनको उनके लुक्स से जज करते थे, पर जब उनने अपनी एक्टिंग स्किल्स से डोमिनेट कर दिया अपनी शॉर्टकमिंग्स को, ठीक है नहीं है हीरो जैसा चेहरा लेकिन स्टिल यू हैव एक्टिंग स्किल्स, तब जाके लोगों ने भी उनको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। सो बेसिकली यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ नो मैटर व्हाट। सो इस कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, इस ट्रस्ट को गेन करने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज स्टार्ट करेंगे। आज की हमारी पहली एक्टिविटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या चाहिए? गर्ल्स, यू हैव टू टेक हील्स, इतनी हील्स, लाइक दिस मच हील्स, इतना, ठीक है, पर ऐसी जो कम्फर्टेबल। सेकेंड, बॉयज़ कोई हैवी शूज़ ले सकते हैं, स्पोर्ट्स काइंड ऑफ पर थोड़े हैवी हो और दैट मेक यू कंफर्टेबल। रिमेंबर इट, कभी भी आपको डांस में या कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल नहीं पहनना चाहिए। यू शुड बी लाइक वेरी कंफर्टेबल टू योरसेल्फ कि हाँ जो कपड़ा या जो शूज़ या जो भी एक्सेसरी मैंने पहने हैं वो मेरे लिए बहुत कम्फर्टेबल है। सो इस एक्टिविटी में करना क्या है? यू हैव टू वेयर योर हैवी शूज़, यू हैव टू वेयर योर हील्स, you have to walk, you have to do something that makes you so happy. पहले अकेले में प्रैक्टिस करो, एक लेवल तक अपने आप को बिलीव करो कि हाँ म्यूजिक प्ले होता है तो आप फर्स्ट में इन्जॉय करो अपने आप को, लोगों को दिखाने की जगह अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। जब इन हील्स में या इन शूज़ में जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे, जब एक अनकम्फर्टेबल सिचुएशन आपको फील करेगी कि मैं ठीक हूँ, और जब आपके लेग स्ट्रेट होंगे, जब आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, तब आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील होगा। तो इस पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट लाइक ए बी सी डी से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो बेसिकली जब आप वॉक, 3 स्टेप्स, स्नैप, टर्न और आई कॉन्टेक्ट करोगे तो ध्यान रखना यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस।
This activity is for your confidence. जब आप ये रूम में या कहीं भी अकेले करो तो ध्यान रखना this is the starting of dance. Walking, 1, 2, 3, slap, turn. This is the very basic thing of dance. If आपने अगर ये चीज़ constantly कर ली with eye contact, तो आप कुछ भी कर सकते हो. So अब जिस गाने पे मैं डांस करने वाली हूँ that is 7 Rings of Ariana Grande. So मैंने ये सॉन्ग क्यों चुना? ये सॉन्ग मैंने इसलिए चुना क्योंकि this song gives me confidence. आप ऐसा सॉन्ग उठाओ जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, वो चाहे दबंग का घुड़ घुड़ दबंग हो, इट डजेंट मैटर, या शीला की जवानी हो, या लुक व्हाट यू मेड मी डू ऑफ टेलर स्विफ्ट. आप कुछ भी कर सकते हो, दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस. दिस सॉन्ग गिव्स मी कॉन्फिडेंस. सो ये कोरियोग्राफी मियंग की कोरियोग्राफी, मीना मियंग की कोरियोग्राफी है, जो बेसिकली 1 मिलियन डांस स्टूडियो की बहुत अच्छी कोरियोग्राफर है. आप इनका डांस डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो. सो लेट्स मूव टू अ डांस. Money the wrong number. Black card is my business card. The way it be setting the tone for me. I don't be brave, but I be like put it in the bag, yeah. When you see the max, they stacked up like my ass, yeah. Go from the south to the booth, make it all back in one loop. Give me the loot, never mind, I got the juice. Nothing but never we shoot. Look at my neck, look at my debt. Ain't got enough money to pay me respect. Ain't no budget when I'm on the set. If I like it, then that's what I get, yeah. I want it, I got it. I should be a savage.